हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं स्नेहा. आज मैं आपके साथ मनी प्लांट की कुछ कटिंग लगाने वाली हूँ. एक एक लिप से कटिंग लगाऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा. और देखिए, एक छोटी सी बास्केट में लगा हुआ कितना बूसी हो रहा है मेरा मनी प्लांट, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है. तो इस टाइम का जो टाइम है, बेस्ट टाइम है अभी कटिंग लगाने का. इनमें नीचे नीचे से एरियल रूट्स निकलती हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है. आप चाहे तो पानी में लगा लीजिए या सैंड या मिट्टी में लगा लीजिए, जिसमें भी आप कटिंग लगाएंगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. तो कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर सैंड में कटिंग लगाने वाली हूँ. तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे हो रहे हैं. इस समय मनी प्लांट बिना मतलब इनको बारिश में रखे ही इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है. तो अभी का जो ग्रोइंग टाइम है मनी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है. तो आप भी कटिंग ज़रूर लगाइए और ढेर सारे प्लांट बनाइए. तो ये देखिए, मैंने कुछ कटिंग ली है और देखिए किस तरह से इस समय रूटिंग इनमें हो रही है. पहले से ही हो रखी है रूटिंग, तो हमको ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. बस आप इसको चाहे तो पानी में लगा दीजिए. मैंने पानी में भी लगा के रखा हुआ, बहुत ज़्यादा बूसी सा प्लांट हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले लगाया था ये देखिए. और चाहे तो आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, सैंड में भी लगा सकते हैं. सैंड में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप सैंड में लगाइए. तो इसको हमको क्या करना है, पहले कट कर लेना है. एक एक लीफ को हमको अलग कर लेना है. तो इस तरह से देखिए, जहाँ से नॉड है यहाँ से हम एक एक लीफ को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से. ये देखिए इस तरह से, ये देखिए. तो एक एक लीफ हमने अलग कर ली है और ये देखिए इस तरह से. तो रूटिंग पहले से हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट ये ग्रो करेगा. तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं. किस तरह से लगाएंगे, तो न्यू लीफ आप इस तरह से अच्छे अच्छे लीफ ले लीजिए और बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएगा ये. तो इसको भी हम कट कर लेते हैं इसी तरह से. जिनमें नहीं है मतलब रूट नहीं निकली है, जैसे इसमें देखिए अभी रूट नहीं निकली है, रूटिंग नहीं हुई है, तो इनको भी जब हम लगा देंगे तो इनमें रूटिंग बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी से हो जाएगी. तो यहाँ पर मैंने लिया छोटा सा पॉट लिया है बिल्कुल, और इसमें सारी कटिंग लगाने वाली हूँ. तो ये देखिए एक एक लीफ को हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे. आप चाहे तो बंच बना करके रख दीजिए, चाहे तो किसी भी तरह से रख दीजिए. ये देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं. आप बंच बना करके उसमें रख देंगे तो भी बहुत अच्छा से, मतलब इस तरह मुट्ठी भर के पूरा बंच ले करके लगा करके ऊपर से सैंड डाल दीजिए तो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है. और अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से एक एक लीफ को रख करके आप इनको इस तरह से ग्रो कर लीजिए. ये देखिए, तो मैं यही करने वाली हूँ अभी. और ये देखिए इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही सुंदर सा हेल्दी से हमारा प्लांट भी तैयार हो जाएगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही आसान होता है इस समय मनी प्लांट को ग्रो करना. और मिट्टी में कभी कभी क्या होता है, गल जाती हैं रूट्स या फिर नहीं ठीक से ग्रोइंग होती. लेकिन अगर मिट्टी अगर आप लगाते हैं तो मिट्टी और सैंड दोनों मिक्स करके लगाइए, प्योर मिट्टी बस में मत लगाइएगा. तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया, और बीच में भी हम थोड़ा सा और रख देंगे इसमें. तो ये देखिए इस तरह से सारी लीफ को हमने रख दिया है. और आपको कम लगे तो आप और रख सकते हैं, ताकि एक बार में ही आपका पूरा प्लांटर बिल्कुल घना सा हो जाए. और इस तरह से आप इनको रख सकते हैं. ये देखिए कितनी लंबी से रूट से, इसको भी हम कहीं पर यहीं पर एडजस्ट कर देंगे. बाद में ये रूटिंग अपने आप मतलब पकड़ ले गई, थोड़ा ज़्यादा हो रही है इसकी लंबी से रूट्स. मुझे सबसे पहले इसी को रखना चाहिए था. देखते हुए बनेगा कि नहीं बनेगा. तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसके थोड़े से रूट्स कट कर दी है. और ये हम इस तरह से अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके सैंड. सैंड इसके ऊपर से डाल देंगे तो ये पूरा अपने आप को कवर कर लेगा. और सैंड गीली है बिल्कुल, क्योंकि बारिश हुई थी हमारे यहाँ रात में, तो सारी सैंड गीली हो गई है. और आप सूखी सैंड या गीली सैंड किसी का भी यूज कर सकते हैं. तो इतनी आसानी से अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ये बस ग्रो हो चुका समझ लीजिए. क्योंकि इनमें रूटिंग तो पहले से हुई है और बहुत ही आसानी से आप इनको ग्रो कर सकते हैं इस तरह से. तो ये देखिए हमने इस तरह से लगा दिया, और देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये अभी से बिल्कुल. तो एक एक लीफ से आप इस तरह से बूसी लुक में बना लीजिए मनी प्लांट को. काफ़ी ज़्यादा बूसी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है इस तरह से आप अगर मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं. और ये हमेशा बस थोड़ी थोड़ी कटिंग, जैसे ही ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप उसको प्रून कर दीजिए. तो बिल्कुल बूसी सा लुक लेकर के जो आपको 200, 250, 300 में मनी प्लांट नर्सरी मिलते हैं, वो इसी तरह से तैयार किए जाते हैं. बिल्कुल बूसी सा लुक रहता है देखने में. तो मनी प्लांट की जो भी वैरायटी हो, आप इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत सुंदर हेल्दी से प्लांट तैयार होगा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा. अब वो लोग तो मीडिया जो भी यूज़ करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सैंड में रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है. तो आप सैंड कटिंग लगाइए. और मैं तो
रिपोर्ट भी नहीं करते हुए इसी में चलते रहते हैं। बाद में आप इसी में थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद दे सकते हैं। बाद में जब थोड़ा सा मतलब कटिंग और अच्छे से सेट हो जाए तो इस तरह से हमको थोड़ा सा लगा करके बस थोड़ा सा पानी दे देना है और ये कटिंग हमारी लगभग 2 से 3 दिन में ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ईजी है मनी प्लांट को इस तरह से कटिंग से ग्रो करना और बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका मैंने बताया है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।